हेलो गाइस, एंड आज हम बात करने वाले हैं यार एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट फ्रॉम एनिमेस। आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रामायण। सो अभी हाल में ही आई आदि पुरुष का हाल तो आप सबने देख लिया होगा। एंड इस मूवी को देखने के बाद यार मैंने सोचा कि एवरीवन नोज द स्टोरी ऑफ रामायण फ्रॉम सीता का स्वयंवर टू राम एंड रावण फाइट, बट इसके बाद क्या हुआ, हाउ एंड व्हाई राम प्रभु डाइड, एंड व्हाई सीता माता हैड टू गिव अग्नि परीक्षा, एंड हमारे भगवान के साथ क्या हुआ आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम देयर एग्जाइल एंड आफ्टर किलिंग रावण। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट बंदों को ऐसा लगता है कि रामायण की एंडिंग एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग थी, बट टू बी होनेस्ट आई थिंक मेरी नज़रों में तो ये काफ़ी सैड एंडिंग भी थी। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड यस यहाँ पर मैं अपनी की हुई रिसर्च के बाद ही आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड जय श्री राम बोलकर इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। तो यार पहली बात कि रामायण एक बहुत ही बड़ी कथा है, एंड इसको यार 10 मिनट के अंदर ही समझाना इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर मैं इस वीडियो को इन डिटेल लेकर गया तो यार ये वीडियो हो जाएगी एक घंटे से भी ज़्यादा लंबी, एंड उसको भी मेरे को पार्ट्स में रिलीज़ करना होगा, एंड वो मैं करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 मिनट के अंदर ही इनफ नॉलेज प्रोवाइड करने की ट्राई किया, एंड यहाँ पर मैंने रिसर्च बहुत ही किया है इस टॉपिक के ऊपर, बट यहाँ पर एक दो गलतियाँ इधर उधर हो सकती हैं, तो उसके लिए मेरे को पहले ही माफ़ी दे देना। और अब हम इसको शुरू करते हैं। सो वी ऑल नो दैट राम भगवान, सीता माता एंड लक्ष्मण रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग द माइटी रावण। तो यहाँ पर एक दिन राम भगवान अपने मित्र से पूछते हैं कि उनके राज्य में आप कौन सी बातें चल रही हैं, एंड उनके राज्य के बंदे उनके बारे में क्या सोचते हैं। जिसके बाद यहाँ पर उनका मित्र हैप्पीली रिप्लाई करता है कि यहाँ पर उनके राज्य के बंदे उनसे बहुत ही हैप्पी हैं और उनको अपने भगवान से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड वो उनके राज्य के अंदर बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी थे जो कि राम भगवान से हैप्पी नहीं थे, एंड वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर राम भगवान ने सीता माता को अपना लिया था अपने धर्म पत्नी के रूप में आफ्टर वो इतने सारे महीने रावण की लंका में रहकर आई थी। वो बंदे माता सीता की प्योरिटी एंड फेथफुलनेस पे सवाल उठा रहे थे, और ये बातें सुनकर राम भगवान अंदर तक हिल जाते हैं, एंड वो बहुत ही ब्रोकन एंड सैड फील करने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने चारों के चारों भाइयों को एक साथ बुलाते हैं, और यहाँ पर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि ओ मेरे प्रिय भाइयों, क्या तुम सबको याद नहीं कि किस तरह माता सीता ने अपनी प्योरिटी को प्रूव करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, जहाँ पर खुद अग्नि ने उनको अनटस्ट एंड पूरी तरह से प्योर डिक्लेयर किया था इन द आइलैंड ऑफ रावण। और डीप डाउन मेरे को भी उनकी प्योरिटी एंड फेथफुलनेस पे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, एंड इसलिए मैंने उनको दोबारा एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब जो भी बातें मेरे बारे में चल रही हैं एंड सीता माता के बारे में चल रही हैं इन माई राज्य, उसने मेरे को अंदर से दुख एंड पेन के साथ भर दिया है। जिसके बाद वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम माता सीता को अपने चैरियट पे बिठा के इस राज्य की बाउंड्री से दूर ले जाओ, एंड उनको सेज वाल्मीकि के आश्रम पे छोड़ दो। और ये कहते हुए राम भगवान की आंखें पूरी तरह से भरी हुई थी, एंड उनकी वॉइस भी ट्रेम्बल कर रही थी। एंड यहाँ पर वो अपने भाई से उनके इस आज्ञा का अपमान ना करने के लिए कहते हैं, एंड इसको पूरा करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण के पास भी कोई भी चारा नहीं होता है, जिसके बाद वो सीता माता को इन्फॉर्म करता है इसके बारे में। और यहाँ पर सीता माता, जिनको कोई भी आइडिया नहीं था कि अब उनको दोबारा वनवास भेजा जा रहा है, वो बहुत ही हैप्पी होती हैं, एंड वो सेज वाल्मीकि के लिए गिफ्ट तैयार करने लगती हैं कि वो उनके आश्रम जाकर कुछ दिन रह कर आएंगी। तो अब यहाँ पर जब माता सीता एंड लक्ष्मण वाल्मीकि के आश्रम के बाहर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मण बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, एंड वो माता सीता के चरणों में गिर जाते हैं। और यहाँ पर जब माता सीता उनको संभालती हैं, तब यहाँ पर लक्ष्मण उनको बताते हैं कि माता, मैं तो बस अपने भाई के आज्ञा का पालन कर रहा था, और यहाँ पर आप मेरे भाई के द्वारा दोबारा वनवास भेजी जा रही हो। ये सब सुनकर सीता माता बहुत ही शौक हो जाती हैं, एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। माता सीता के उठने पे लक्ष्मण उनको समझाते हैं कि ये पहली बार है कि वो भी अपने भाई की आज्ञा का पालन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये करना पड़ा, तो प्लीज़ उनको इसलिए माफ़ कर देना।
जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं रोते हुए। यहाँ पर माता सीता भी रिवर के पास बैठकर रो रही थी, तभी यहाँ पर कुछ आश्रम के बच्चे सेज वाल्मीकि को इसके बारे में बताते हैं एंड देन वो माता सीता का वेलकम करते हैं अपने आश्रम में, जहाँ पर माता सीता को अपनी बाकी सारी लाइफ बितानी थी। इसके बाद यहाँ पर माता सीता ने 12 साल वाल्मीकि के आश्रम में बिताए और यहाँ पर ही उन्होंने लव एंड कुश को भी जन्म दिया। लेकिन फिर भी बंदों ने बातें करनी बंद नहीं की और अगेन माता सीता के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगे, जिसके बाद यहाँ पर माता सीता ने दूसरी बार अपनी अग्नि परीक्षा दी, बस अपने प्योरिटी को प्रूव करने के लिए और बंदों को दिखाने के लिए। इसके बाद जब लव एंड कुश बड़े हो गए एंड वो अपने पिता के साथ दोबारा मिल गए, तो यहाँ पर माता सीता ने डिसाइड किया कि अब वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगी एंड वो जहाँ से आई थी वहीं दोबारा लौट जाएंगी, मतलब वो दोबारा धरती में समा जाएंगी। जिसके बाद वो भगवान से प्रेयर करती हैं एंड देन यहाँ पर धरती में एक बहुत बड़ी दरार आती है एंड माता सीता उसके अंदर चली जाती हैं और इस तरह माता सीता दोबारा जहाँ से वो आई थी वहीं पर चली जाती हैं। और अब अगर मैं राम भगवान की बात करूँ तो यहाँ पर राम भगवान की लाइफ के बारे में या किस तरह उनका समय पृथ्वी पे ख़त्म होता है उसके बारे में लिखा नहीं गया है वाल्मीकि के रामायण में, बट यहाँ पर पद्मा पूर्ण के रामायण में इसके बारे में लिखा गया है, तो मैं वही आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर राम भगवान अयोध्या पर राज करते हैं एंड वो बहुत सारे अलग अलग योजना भी लाते हैं अयोध्या के बंदों के लिए ताकि उनका भला हो। और यहाँ पर सीता माता के जाने के बाद वो लव एंड कुश को भी संभालते हैं एंड उनको भी ग्रूम करते हैं एक अच्छा योद्धा बनने के लिए एंड अयोध्या को संभालने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है कालदेव की। कालदेव समय के देव को कहा जाता है। तो यहाँ पर वो आते हैं राम भगवान से मिलने के लिए एक संत का रूप लेकर, और यहाँ पर वो राम भगवान से एक बहुत ही जरूरी मीटिंग करने आए होते हैं। और यहाँ पर वो राम भगवान के सामने एक शर्त भी रखते हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने उनकी इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया तो यहाँ पर उसका सर धर से अलग कर दिया जाएगा, और यहाँ पर राम भगवान भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद वो लक्ष्मण को उनको गार्ड करने के लिए कहते हैं और किसी को भी इस रूम के अंदर आने से मना करने के लिए कहते हैं। कालदेव यहाँ पर राम के सामने अपने असली रूप में आते हैं और यहाँ पर वो राम भगवान को रिमाइंड कराते हैं कि उनका टाइम इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे अब समाप्त होने लगा है एंड अब उनको उनके साथ दोबारा चलना चाहिए जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। कि तभी यहाँ पर राम भगवान से मिलने के लिए शेख दुर्वासा वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण उनको किसी भी हाल में अंदर जाने नहीं दे सकते थे, तो यहाँ पर वो संत को बाहर ही वेट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि राम भगवान अभी उनसे नहीं मिल सकते। और ये चीज़ सुनकर संत को बहुत ही गुस्सा आता है एंड वो यहाँ पर राम भगवान को शराब देने की धमकी देता है। संत दुर्वासा एक बहुत ही बड़े संत थे एंड उनका शराब सही में बहुत ही बुरा होता, तो यहाँ पर लक्ष्मण भगवान हार मान के उनको अंदर जाने देते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार होते हैं। समहाउ यहाँ पर लक्ष्मण भगवान भी समझ जाते हैं कि ये हालात उनके लिए एक हिंट था कि अब उनका टाइम भी इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे ख़त्म होने लगा है एंड अब उनको भी एक फाइनल वे आउट ले लेना चाहिए। जिसके बाद वो जाकर रिवर सरायू में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं और रूप ले लेते हैं एक अनथ सेस की, जिसको इंग्लिश में मैनी हेडेड सरपेंट भी कहा जाता है, एक सांप जिसके बहुत सारे सिर हों। अब यहाँ पर एंड में लक्ष्मण भगवान के जाने के बाद राम भगवान भी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं सरयू रिवर में और लौट जाते हैं वैकुंठ में। बहुत सारी स्टोरियाँ ये बताती हैं कि यहाँ पर हनुमान जी गार्ड कर रहे थे उस गेट को, ना कि लक्ष्मण। लेकिन जैसे मैंने कहा यार स्टार्टिंग में कि यहाँ पर रामायण के बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर असली में क्या हुआ यार ये सही में बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो गाइस यार यही थी ये वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो यार। एंड जैसे मैंने बोला कि असली में क्या हुआ यार ये किसी को नहीं पता, क्योंकि रामायण सही में बहुत ही बड़ी एक कथा है, मैंने पहले ही बोला था ये। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही हम क्लोज हैं टैंक के सब्सक्राइबर के, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार, प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को। एंड यप अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है इस वीडियो में, कोई मिस्टेक की है, तो आप मेरे को एक बहुत ही मेच्योर वे में कमेंट्स में बता सकते हो। एंड यप अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।